आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के पटनीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सोमवार शाम से ही आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। बताया जा रहा है कि सोमवार को सुरक्षा बलों को पता चला कि लश्कर के आतंकियों को रत्नीपोरा गांव में देखा गया। उसके बाद सुरक्षा बलों की टीम मौके पर पहुंची और वहां पहुंचकर गांव को घेर लिया ताकि कोई भी आतंकवादी भाग ना पाए। फिलहाल इलाके की घेराबंदी की गई है और सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके बाद आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और अब तक आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे आर्मी सीआरपीएफ और एसओजी पुलिस के साथ इस इलाके का कोऑर्डिनेट किया जा रहा था, सर्च किया जा रहा था। तो धान की खेती और ऑर्चर्ड की तरफ दो मिलिटेंट देखे पाए गए थे, उनके साथ इनकाउंटर हुआ और फिर इस इलाके को पूरा रात से आपने कॉर्डन किया हुआ है। उम्मीद है कि एक मिलिटेंट की इंजरी हुई है, बाकी भी सर्च जारी है, जो थोड़ी देर में सब सामने आ जाएगा। अभी रुक रुक के इनकाउंटर चालू है मिलिटेंट की तरफ से भी और हाँ हमारे तरफ से भी। और इस खबर पर सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी नसीर अहमद का। नसीर, अब तक क्या अपडेट आपके हाथ? देखिए तेजस्वी, ये जो मुठभेड़ है वो कल शाम शुरू हो गई और बेसिकली ये जो एरिया है पुलवामा जिले का रत्नीपोरा, वहाँ पे सुरक्षा बलों को इत्तला मिली कि कुछ मिलिटेंट्स वहाँ पे मौजूद है और उसी दौरान वहाँ पे नाकाबंदी की गई और तलाशी अभियान शुरू किया गया और कल शाम भी गोलीबारी हुई, लेकिन रात भर जो है वो गोलीबारी रुकी रही और आज सुबह से ही फिर दोबारा गोलीबारी जारी है और अंदाजा यही है कि इलाके में लश्कर के दो मिलिटेंट मौजूद है और अभी भी गोलीबारी दोनों तरफ से जारी है। और ये जो क्योंकि इलाका जो है रिहायशी इलाका है और इसलिए थोड़ी सी मुश्किल सुरक्षा बलों को हो रही है जो मिलिटेंट्स है उनको बाहर निकालने की। तेजस्वी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत नसीर तमाम जानकारी के लिए।